को भी वोट मत देना। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो। लोकसभा चुनाव में एनडीए को हराने का प्लान बनाने वाले विपक्षी गठबंधन इंडिया के बीच पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव के दौरान ही कितनी दरारें आ चुकी हैं, इस बात का अंदाजा एमपी चुनाव में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के बार बार दिए जाने वाले बयानों से ही लगाया जा सकता है, जो इन चुनावों में खुलकर कांग्रेस का विरोध करते नजर आ रहे हैं। दरअसल रविवार को टीकमगढ़ जतारा विधानसभा में चुनाव प्रचार के दौरान अखिलेश यादव ने कांग्रेस को धोखेबाज पार्टी बताया है। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे? बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो। बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। रविवार को अखिलेश यादव एमपी के टीकमगढ़ जिले की जतारा विधानसभा पहुंचे थे, जहां उन्होंने सभा प्रत्याशी आरआर बंसल के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान वो बीजेपी के साथ ही कांग्रेस पार्टी पर भी निशाना साधते नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर आपको राशन के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा है तो आप बीजेपी को वोट क्यों देंगे, कांग्रेस को भी वोट ना दें। बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस, इनसे सावधान रहने की जरूरत है। अगर कांग्रेस हमें धोखा दे सकती है तो आपके साथ क्या नहीं कर सकती, कांग्रेस को भी वोट मत देना। राशन में यहाँ मिल रहा होगा आपको भी, राशन में जो मिल रहा है कुछ नहीं मिल रहा राशन में, तो बीजेपी को वोट क्यों दोगे तुम। कांग्रेस को भी वोट मत देना, बहुत चालू पार्टी है कांग्रेस। सावधान रहोगे कि नहीं रहोगे। बंसल जी बेबंदे में दुखी थे, कांग्रेस ने धोखा दे दिया। अरे जब हमें धोखा दे दिया तो तुम कहां के बंसल हो। बंसल जी दुखी है, कांग्रेस ने धोखा दे दिया, हमें पहचाना ही नहीं। वैसे इन दिनों अखिलेश के निशाने पर कांग्रेस का कोई नेता है तो वो है एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ, जिनकी उम्र को लेकर अखिलेश बार बार अपने अंदाज में तंज कसते नजर आ रहे हैं। अरे भाई जिनकी उम्र 80 साल हो कैसे पहचानेंगे आपको? आप बताओ, हम कोई नाराजगी नहीं है किसी से, लेकिन हम ये मानते हैं, ये स्वीकार करते हैं कि 80 साल के जो लोग होंगे वो कभी कभी पहचानेंगे नहीं। ये गलती हमारी है कि 80 साल के लोगों पे हम लोग भरोसा कर लिए कि वो हमें पहचान रहे होंगे। इस दौरान अखिलेश यादव ने जातीय जनगणना का मुद्दा उठाते हुए कांग्रेस को लपेट लिया और ये कहा कि इस देश में अगर जातीय जनगणना को किसी राजनीतिक पार्टी ने रोका है तो वो कांग्रेस पार्टी है, और कांग्रेस ने ही मंडल कमीशन की सिफारिश को भी रोक रखा है। उसी रास्ते पर बीजेपी चल रही है। जातीय जनगणना का जो सवाल उठा है उसका चमत्कार देखिए। कांग्रेस कह रही है कि जातीय जनगणना होनी चाहिए, वहीं बीजेपी जो पिछड़ों के आरक्षण के खिलाफ रही वो भी आज जातीय जनगणना की बात कर रही है। अखिलेश ने कहा कि चुनाव आ गया है, ऐसे में ये पीडीए की ताकत को वो समझ गए हैं।